नमस्कार, जेके प्राइम देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। और आज जेके प्राइम में जिस मुद्दे को लेकर बात करेंगे उसमें एस्पिरेंट्स का मुद्दा है। और आपको बताते चलें कि आज एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ट्वीट कर एक बड़ी जानकारी दी गई जिसमें इस पूरे लिस्ट को रद्द कर दिया गया, यानी पूरी तरह आप देखिए कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद दोबारा से पेपर करने की भी बात कह दी गई है। लेकिन इसी पर कुछ एस्पिरेंट्स हमारे साथ हैं, काफी लंबा धरना प्रदर्शन इनका और बहुत बड़ा एक फैसला जो है वो सामने आया है। इन्हीं एस्पिरेंट से बात करेंगे कि किस तरह से चुनौतीपूर्ण रहा लेकिन अब दोबारा से पेपर करने की बात कह दी गई है। तो जाहिर तौर पर एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से अब ये लोग अपनी सोच रख रहे हैं। सीबीआई को ये जांच जो है वो सौंप दी गई है। पहले ही डिमांड सामने रखी जा रही थी कि सीबीआई को ये जांच सौंपी जानी चाहिए, लेकिन आज जब ये बड़ा फैसला सामने आया है तो जाहिर तौर पर अब इन लोगों का क्या कुछ कहना है वो जान लेंगे। क्योंकि आपको बताते चले कि अक्टूबर महीने में ही महज यहां पर नोटिफिकेशन आती है और उसके बाद दिसंबर में फॉर्म फिल होते हैं और उसके बाद आपने देखा एक एक करके किस तरह से यहां पर कवायद जो है वो चला दी गई। क्योंकि मार्च में ये एग्जाम हुआ था, जून में रिजल्ट आता है, लेकिन उसके बाद किस तरह से सवालिया निशान उस पूरी लिस्ट पर लगे ये सबके सामने था। क्योंकि एक ही परिवार से कई लोगों को वहां पर लगा दिया गया। लिस्ट के अंदर जो नाम थे उसमें 20 लोग एक ही परिवार से, 40 लोग एक ही क्षेत्र से, यानी कहीं ना कहीं जिन लोगों के नाम लिस्ट में आए वो एक दूसरे के साथ मेलजोल खाते हुए नजर आए, जो कि एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता हुआ नजर आया था। अतुल ने इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किया है। अतुल से बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अतुल भी काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग सब एक टीम बनकर काम कर रहे थे, लेकिन अतुल जिस तरह से आज आप देखिए एक बड़ा फैसला एलजी की तरफ से सामने आया है। राहत भरा एक फैसला है, क्योंकि शुरू से ही पहले दिन से आप भी जानते हैं, आप लोग लगातार हमें कवर कर रहे हैं, पहले दिन से हमारी मांग थी सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला था। सिर्फ हम 97,000 एस्पिरेंट्स का नहीं, आने वाले जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स थे, चाहे उसमें 10th पास 12th पास जितने भी एस्पिरेंट्स होते, उन सबको एक विश्वास धीरे धीरे इस रिक्रूटिंग एजेंसी से उठता जा रहा था। इसलिए मनोहर सिन्हा जी ने पहले एक सराहनीय कदम उठाया जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंक्वायरी ऑर्डर की, और उसके बाद अब जब एग्जाम को स्क्रैप करने के बाद सीबीआई को जिस तरीके से हमारी मांग थी ये केस दिया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पूरा का पूरा रैकेट जो इसके पीछे इन्वॉल्व था उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और एक मिसाल जो है वो पूरे भारत के अंदर पेश की जाएगी कि अगर ऐसा कोई भी करता है, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कोई भी करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। यानी एक एक कमेंट पहले विंकल से भी और खालिक से भी लेंगे, क्योंकि पहले भी जब डिबेट हो रही थी तो इन तीनों से मेरी बात हो रही थी। लेकिन खालिक, अगर आपसे मैं बात करूं, जिस तरह से आज सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है और दोबारा से पेपर करने की बात कही गई है, अब इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि दोबारा से पेपर नहीं होना चाहिए था, उसी तरह से यहां पर फॉर्म जो है वो चलते जाने चाहिए थे, जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे। देखिए मैम, हमने पहले भी यही चीज मेंशन की थी कि ये मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम डिसाइड करेगा, ना कि देखो हर एक को अपना फंडामेंटल राइट है, वो अपनी ग्रेवेंस को एड्रेस कर सकता है, वो आपके माध्यम से करे या किसी और माध्यम से करे वो कर सकता है, लेकिन डिसाइड वही होता है जो जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर को कॉग्निजेंस में लिया जाता है। तो कॉग्निजेंस जो लिया गया है ऑनरेबल गवर्नर की तरफ से वो हमारे हक में है और हमारी डिमांड्स को माना गया है, लेकिन अभी जो फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है या दूसरी तीसरी चीज़ें हैं वो फर्दर क्या होगा, वो हमारे फेवर में होगा या हमारे अगेंस्ट होगा, नई रिक्रूटमेंट नई एडवर्टाइजमेंट होगी या जो एस्पिरेंट पहले अप्लाई किए हुए हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा, तो ये चीज़ें फर्दर है। लेकिन हमारा जो असली विषय है, जो जांच का विषय है और जिन लोगों को बाहर करने की कोशिश हमने की है, हमारी लड़ाई अगेंस्ट उन करप्ट ऑफिसरों के अगेंस्ट है जो लोग सिस्टम में 10% है और पूरा सिस्टम खराब करके रखा हुआ है। मतलब पूरा सिस्टम जो है जिन लोगों ने खराब किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विंकल, जिस तरह से खालिक ने कहा कि अगर दोबारा से पेपर होता है तो पहले वाले जो रिक्रूटमेंट में बचे आए थे उन्हें मौका दिया जाता है या फिर फ्रेशर्स को भी लाया जाता है और भी लोग इसमें जुड़ जाएंगे, कितना चैलेंजिंग अब रहने वाली है? हम किसी भी पढ़ाई को लेकर कोई भी चैलेंज है हम सब लोग उस चैलेंज के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन को सामने लाना, उसको एक पाप की तरह ना साबित कर दिया जाए कि हम लोगों ने करप्शन जो है एक हुआ, जो धांधलियाँ हुई उनको सामने लाया, उसके बाद उसकी सज़ा अगर हम लोगों को दी जाए तो मुझे लगता है वो इंसाफ नहीं होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, हम केवल जो यहाँ कैमरे पे आके बात करें केवल वही एस्पिरेंट्स नहीं, कुछ लोग अपने अपने स्तर पे जहाँ थे उन लोगों ने भी कैमरे में ना आकरते हुए भी बहुत सहायता करी है, तो कोई भी एस्पिरेंट जो इसमें हैं, इस पीएसआई के रिक्रूटमेंट में हैं, उनके साथ ना इंसाफी ना हो ऐसा ध्यान
माननीय एलजी साहब को और जेकेएसएसबी को रखना चाहिए, क्योंकि हमने अगर करप्शन सामने लाई है वो हमें कल को ऐसा एहसास ना करवाएं कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी अब करके, ताकि वो इस तरह से सोचे कि ताकि आगे के लिए कोई इस तरह का काम ना करे, जब किसी को कहीं करप्शन दिखता है तो वो उसको एक्सपोज ना करे, क्योंकि उसको मन में डर बैठ जाएगा कि अगर ये हम करेंगे तो हम ही पीछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम में हम में से बहुत लोग ऐसे थे जो कि मेरिट में, एक्सपेक्टेड मेरिट में फॉल कर रहे थे। हमने भी आगे आके विरोध करा इस बात का कि नहीं, धांधली नहीं होनी चाहिए। तो धांधली के थ्रू कोई अगर अंदर जा रहा है तो सिस्टम और ख़राब होगा और करप्ट होगा। ऑलरेडी जेएनके के ऊपर करप्शन के, मतलब जेएनके में जो करप्शन का लेवल है वो पीक पे है, तो हम नहीं चाहते कि वो अंदर जाए। उसके लिए हमने सजा, जो सजा हमें मिलनी थी वो हमने ले ली। एक अच्छा मौका जहां हम सिलेक्टेड, मतलब उसमें एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक स्टेज जो हुआ था उसको हम पास कर चुके थे, लेकिन हमें दिख गया, हमने एक्सपोज किया। उस एक्टिविज्म का, उस विजिलेंस जो हमने करी, विजिलेंट थे तो उसकी सज़ा हमें ना मिले, ये मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब भी इस बात का जो संज्ञान लेंगे और जेकेएसएसबी भी इस बात में हमारा पक्ष रखेगी। हम कल की ही बात करें तो एक सर्वे होता है पूरे देश के अंदर, एक सर्वे हुआ जिसमें तीसरे नंबर पर बेरोजगारी को लेकर जम्मू कश्मीर रहा। सबसे पहले हरियाणा जो है वो अव्वल नंबर पर, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर था। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, लेकिन उस बीच में अगर रोजगार यहाँ पर उत्पन्न होते हैं तो धांधली से नहीं होने चाहिए, जिसका जवाब और यहां मिसाल जो है युवा कायम करता हुआ नजर आया। एक और मेरे साथ एस्पिरेंट्स हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से जांच बिठाई गई है, अब जो लोग मेरिट में हैं वो भी चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अपनी नौकरी को छोड़कर एक इंसाफ के रास्ते पर चलने की कोशिश हुई। क्या लगता है कि अब ट्रांसपेरेंसी किस तरह से रहेगी? जी, हमें गवर्नर साहब से पूरी उम्मीद है, और जैसा कि उन्होंने एक हमारी बात को, हमारे राहत देते हुए उन्होंने डिसीजन लिया है और सीबीआई को इंक्वायरी जो है वो उन्होंने सौंपी है, जो ये चीज़ दर्शाती है कि उनकी मंशा है कि सच जो है वो निकल के सामने आए और जितने भी धांधलेबाज हैं ये सारे पकड़े जाएं और ये जेल की सलाखों के पीछे जाए। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी मेरिट में, मोस्ट प्रोबेबली जो आने वाला मेरिट था उसमें फॉल कर रहे थे, हाँ उनको कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा, क्योंकि लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस इंसान में काबिलियत है, उसमें ज्ञान है, उसमें सामर्थ्य है, वो आज भी काबिल है, वो कल भी काबिल है, और वो आज भी सक्सेसफुल है, वो कल भी सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन आप लोगों में दो गुट बन गए थे, जो एक चाहता था कि एग्जाम हो, एक चाहता था एग्जाम नहीं हो, लेकिन अब एलजी ने उस पिक्चर को भी क्लियर कर दिया है कि दोबारा से एग्जाम जो है वो रीशेड्यूल हो सकता है, दोबारा से हो सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, ये ना एक मिसकंसेप्शन, एक धारणा बनाई गई थी कि दो गुट मार दिए गए थे। जो, जैसा मैंने आपको कहा, जिस इंसान में सामर्थ्य है, जिस छात्र में, जिस एस्पिरेंट में कैपेबिलिटीज हैं, वो इस चीज से कभी नहीं डरेगा, वो इंक्वायरी से कभी नहीं डरेगा, क्योंकि उसने पता है, उसने मेहनत से ली है, और उसके सामने अगर कोई नाकाबिल इंसान जिसने धांधला किया है, जिसने घपला किया है, वो उसकी जगह उसके साथ अगर नौकरी भी करेगा, अगर मेरे में काबिलियत है मेरे साथ आके कोई धांधलीबाज नौकरी करेगा, तो मुझे कभी स्वीकार नहीं है। और इस चीज से हमारे बहुत से साथी हैं, जैसे विंकल भाई ने भी कहा, 111, 115, 120 नंबर वाले जो हमारे साथ आके खड़े हुए और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, और आज एलजी साहब का ये डिसीजन सामने आया है। और अभी दो दिन पहले ही मैंने इस खबर पर डिबेट भी की थी, जिसमें अतुल थे और साथ साथ विंकल और खालिक के साथ बातचीत हो रही थी, जिसमें पूरे डिटेल से बात जो है वो की गई थी कि लगभग आप देखिए करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो भी हुआ है। तो महज इस घोटाले पर किस तरह से काम होगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एलजी की तरफ से एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इससे पहले आपने देखा था कि जब उधमपुर के अंदर एलजी अपनी बात सामने रख रहे थे, उस वक्त सुर्खियां ये खबर बटोरती हुई नजर आई थी कि एलजी की तरफ से कह दिया गया है कि सीबीआई की जांच होगी और अगर कोई भी घोटाला पाया जाता है तो लिस्ट रद्द भी हो सकती है, तो उस पर काम भी हुआ। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो 62 करोड़ रुपए का घोटाला, लगभग का आंकड़ा अभी मैं आपको बता रही हूं, वो यहां पर हुआ था, इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी। विंकल, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जिस तरह से यहां पर पहले तो लेकर लिस्ट को बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रेवेन्यू को लेकर भी घोटाला सामने आया था, क्या लगता है कि लिस्ट के साथ साथ यहां पर बच्चों के भविष्य की बात तो थी ही, लेकिन जो रेवेन्यू की बातें सामने आई थी उन लोगों पर भी नकेल कसी जानी चाहिए? मैं आपके लिए चैनल के माध्यम, आपके धन्यवाद आपके चैनल का करना चाहूंगा, क्योंकि जो फिगर कल आपने, जो पिछले कार्यक्रम जब हुआ जेकेपीएसआई एस्पिरेंट को लेके, तो उसमें एक फिगर लेके आया गुलिस्तान की तरफ से, वो फिगर शॉकिंग था, और कोई वो ऐसा नहीं है कि हवा में बोल दिया गया था, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन था कि एस्पिरेंट का जो फीस है वो कहाँ गया, तो किसी कंपनियों को फेवरेटिज्म किया गया। और ये आज से नहीं चल रहा है भाई, एक एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसीज हैं ब्लैकलिस्टेड हैं, उसके बाद भी सरकारी ये एग्जाम जो है गवर्नमेंट की एक बॉडी जेकेएसएसबी कंडक्ट कर रही है, उसको कैसे मिल जाता है ब्लैकलिस्टेड कंपनी को, और जो कंपनी ऑलरेडी जिसको ये टेंडर मिला हुआ है उससे ये टेंडर ले करके जिन बुनियाद पे कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रांसपेरेंसी और उसकी कैपेबिलिटी के आधार पे दिया गया कि वो इनकैपेबल है जिस कंपनी से ये टेंडर लिया गया,
तो कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म की उसमें से बू आ रही है, इसको एजेंसियां छोड़े ना, इसकी जांच करें। क्योंकि मैंने पहले कहा, हो सकता है कि जो JKSSB के लेवल पे इसका एक बुनियाद उस समय डल गई थी, इस जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है। और रही बात घोटाले की, तो फेवरेटिज्म करके जो हम लोगों ने एक पैसा दिया था ताकि एक एग्जाम प्रोसेस फेयर तरीके से कंडक्ट हो, वो किसी को फेवरेटिज्म करके किसी ऐसी कंपनी को ना दे दिया, वो एक तरह का घोटाला ही गिना जाएगा। कि जिसमें को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 1 लाख के ज्यादा के फॉर्म जो है वो लगे थे, जिसमें 97,000 बच्चों ने एग्जाम दिए थे, और 97,000 बच्चों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 550 फॉर्म से, यानी 550 रुपए का एक फॉर्म था और लगभग 1 लाख बच्चों ने वो फॉर्म फिल किया था। तो वहां से आप मल्टीप्लीकेशन करिए कि 62 लाख की तादाद पर ये बात नहीं हो रही है, 62,62,00,000 7,550 रुपए जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक फिगर बन रही थी, यानी कि करोड़ों रुपए का घोटाला और इस बीच में युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़। तो आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं आपसे जानूं कि जिस तरह से आप देखिए एस्पिरेंट्स को लेकर पूरी तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब यहां पर पिक्चर यह है कि एक ट्वीट कर दिया गया, लेकिन ट्वीट के बाद कार्यवाही किस तरह से हो? देखिए, हम LG साहब के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रोब बिठाया और कमेटी को जांच करने के लिए टाइम दिया, और उसी टाइम के अंदर ही कमेटी, थोड़ा टाइम डिले हुआ बट कमेटी ने रिपोर्ट को सबमिट किया है, और फर्दर आज ट्वीट आता है कि CBI इंक्वायरी भी होगी। देखिए, हम ये चाहते थे कि CBI इंक्वायरी हो, लेकिन अब हम आगे ये चाहते हैं कि वो लोग जो इस स्कैम में शामिल हैं वो CBI इंक्वायरी के बाद वो अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम फिर से अगर फॉर्म लगेंगे, क्या गारंटी है कि वो लोग दोबारा पैसे ना दें? जिस बंदे ने 25 लाख या 30 लाख जितना भी अमाउंट बताया जा रहा था वो अगर दिया है तो वो दोबारा भी दे सकते हैं। इसलिए उनको पॉइंट आउट किया जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको बिहाइंड बार्स डाला जाए, ताकि वो दोबारा एक मिसाल सेट हो कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अभी और एग्जाम्स देने हैं, जो दे चुके हैं, अभी पता चलेगा आस्ता आस्ता और भी एग्जाम्स में धांधली हुई है, तो ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और उन लोगों को जो इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत जगह पर सुनने को भी मिला था कि खबर जो है वो फेक है, जब इस खबर को हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी कि सब इंस्पेक्टर की जितने भी भर्ती हुई है उसमें घोटाला है, तो आज आप देखिए कि खबर की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है और गुलिस्तान चैनल पर ही इसकी पुष्टि हो रही है कि किस तरह से आज ट्वीट किया गया है LG मनोज सिन्हा की तरफ से और एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देने की बात कही गई है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप देखिए जिस तरह से एस्पिरेंट्स के मुद्दे को लेकर ही बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर हजारों लाखों की तादाद में युवा जो है वो सड़कों पर थे, बेरोजगारी चरम सीमा पर। जिस तरह से मैंने कल का ही आंकड़ा आपके सामने रखा कि एक सर्वे होता है, जम्मू कश्मीर 3rd नंबर पर है और लाखों की तादाद में यहां पर युवा जो है वो बेरोजगार है। 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी, लेकिन लाखों की तादाद में युवा बेरोजगार। यस मैम, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम इसकी जो ये नाम फास्ट ट्रैक दिया हुआ है, बट ये रिक्रूटमेंट टोटली अपोजिट है उससे। यहाँ पे आप देख लो कि एक साल से ज्यादा इनको लग रहा है, अब 2020 में रिक्रूटमेंट निकली थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, और ऊपर से जब एक बच्चा इतनी मेहनत करके पूरे 2 साल लगा के इतना वेट करता है अपनी फैमिली में इस उम्मीद से कि मुझे जॉब मिलेगी, मैंने इतना मेहनत की है, तो फाइनली आफ्टर 2 साल के बाद उसको जाके ये पता लगता है कि सब स्कैम हुआ है। जब रिजल्ट आता है पता लगता है कि मेहनत उसने दिन रात की थी, बट बैकडोर एंट्री इतनी सारी हैं कि उसका नाम नहीं आ पाया या फिर उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई है। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम सबसे रेक्टिफाई करने वाली है कि जिस तरह से नाम दिया गया फास्ट ट्रैक, इसको वैसे चलाया भी जाए और बिल्कुल फेयर तरीके से, ताकि कोई भी बैकडोर एंट्री नहीं हो पाए, जो मेहनत कर रहा है दिन रात उसको उसका हक मिल सके। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, इस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से बात जो है वो रखी गई थी सामने कि अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार होगा, कोई भी अपराध होगा, उस पर जीरो टॉलरेंस। और जीरो टॉलरेंस आप देखिए किस तरह से अब देखने को मिलेगी, ये सवाल रहेगा। लेकिन अतुल, सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ कह दिया गया कि दोबारा से पेपर होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि जो पुरानी लिस्ट थी उसमें से लोग सामने नहीं आएंगे, दोबारा से उसी तरह से घोटाला देखने को नहीं मिलेगा? कितनी ट्रांसपेरेंसी से? बिल्कुल मैम, अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, पूरा का पूरा रैकेट एक्सपोज नहीं किया जाता और उससे पहले एग्जाम ले लिया जाता है, तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हो सकता है वो स्कैमर्स दोबारा उसी एग्जाम में बैठे। हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि जो एस्पिरेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व थे कम से कम उनको लंबे समय तक JKSSB, PSI और जम्मू कश्मीर के हर एक रिक्रूटमेंट से बाहर किया जाए, तभी हम लोगों के साथ
इंसाफ है। अगर उन लोगों ने गलत किया है, हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हम लोगों के बीच में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, जब आप ईमानदारी की करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि ये शुरुआत अभी नहीं हुई। फाइनेंस के पेपर में ही हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं JKSSB और SCB के पास चले जाते हैं, लेकिन मिलता क्या है आगे से, बजाय कि वो अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें, वहाँ के चेयरमैन जो है वो बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं कि आप हमें डिफेम कर रहे हो, हम लीगल एक्शन जो है आप लोगों के अगेंस्ट लेंगे। वहीं अगर उस समय वो इंटरनल इंक्वायरी करते या किसी कमेटी को हैंडओवर करते इसकी इंक्वायरी, तो शायद आज जो फाइनेंस में हुआ है, जो आप सामने आ रहा है धीरे धीरे PSI से जुड़ा हुआ, वो शायद PSI में ना होता। कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लगातार नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे अब आपने देखा होगा पुराना एग्जाम जो फायर सर्विसेज वालों का है, वो लोग भी अब धीरे धीरे सड़कों पर आ चुके हैं। तो गलत जो है वो जम्मू कश्मीर में होता आया है, और बड़ा रेवेन्यू हम लोग पे करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, हम लोग अपने एग्जाम्स जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए जाएं, उसके लिए इतना पैसा पे करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि हम लोगों का भविष्य जो है वो किसी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में ना देकर अपना सिस्टम एक्सपैंड करें, अपनी JKSSB को एक्सपैंड करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करें। अगर एक एग्जाम में 65 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है, पूरे कैलेंडर में कितने एग्जाम्स होते हैं, क्लास 4th का बहुत बड़ा एग्जाम हुआ था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, तो कितना रेवेन्यू क्रिएट होता है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, क्यों हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में इन यूथ के लिए यूटिलाइज नहीं करते, हम अपना सेटअप क्यों ना बना लें, ताकि हमें इन प्राइवेट लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जो लोग आरोप जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी पर भी लगते आए हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति से आप यहां कंफर्म कर सकते हैं, आम लोगों की तरफ से भी बताया जाता है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी बताया जाता है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए किस तरह से रीचेकिंग के फॉर्म वहां पर फिल होते हैं, रिवैल्यूएशन का मुद्दा देखने को मिलता है। तो जाहिर तौर पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दोबारा से इसी तरह से होता है तो फिर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। खालिक, अगर मैं आपसे ये जानूं कि जिस तरह से अब यहाँ रेवेन्यू को लेकर ही बातचीत होना शुरू हो चुकी है, बैकडोर एंट्रीज जम्मू कश्मीर के अंदर काफी तरीके से बढ़ चुकी थी, JK बैंक के अंदर आपने देखा किस तरह से बैकडोर एंट्रीज हुई थी, जो अभी तक मामला जो है वो पूरा पानी का पानी नहीं हो पाया है, उसके बाद जो फार्म सर्विसेज को लेकर हुआ था, उसके बाद पंचायत में भी हुआ था, और आज यहाँ पर SI को लेकर भी हुआ, तो जाहिर तौर पर हर जगह पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, चरम सीमा पर है। तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाना बहुत जरूरी है, अगर इस पर एक्शन होता है। देखिए मैम, जो आपने जम्मू यूनिवर्सिटी की बात की या किसी अन्य डिपार्टमेंट की बात की, ये हर जगह है। 10% करप्ट ऑफिसर हर डिपार्टमेंट के अंदर है, वो चाहे क्या बोलते पुलिस डिपार्टमेंट है या हमारा कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो आपने कहा, ये देखिए आप, कोई भी अगर अभी जैसे इस लिस्ट को स्क्रैप किया गया है, कल को अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट नहीं करना होगा तो ये यहीं से दर्शाएगा, अगर वो दोबारा से फी और दोबारा से फॉर्म फिल करवाते हैं तो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अगर वो दोबारा से फॉर्म और फी नहीं लेते हैं तो यहाँ से ये पता चलेगा कि वो हमारे फेवर में है, हमारे वेलफेयर के लिए है, ताकि हमें उसी फॉर्म में, जैसे हमारा UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, जब कोरोना में UGC नेट का पेपर नहीं हुआ तो हम किस चीज़ का पे करते, उन्होंने वही फॉर्म कंसीडर किए, तो वैसे ही इसमें भी वही फॉर्म कंसीडर होने चाहिए, ना कि नया कोई फॉर्म कंसीडर होना चाहिए। यहाँ से दर्शाएगा कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इनको स्क्रैप करती है या कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए करती है। कल जब गिरफ्तारियाँ होंगी, CBI जब बड़े बड़े, जो हम पहले डे वन से कह रहे हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं इसमें, जो पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं या ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हैं, जब उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी, सिर्फ स्टूडेंट पे ही एक्शन नहीं होना चाहिए, हर एक जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी इसमें क्रिमिनल होगा, वो सारे व्यक्ति पकड़े जाने चाहिए, तभी जाके करप्शन खत्म होगी। जांच टीम बनाई गई और जांच टीम ने अपने रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराई, और उस रिपोर्ट में जो भी चीजें आंकी गई थी वो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से रही होंगी, जिस पर बड़ा एक्शन आज हुआ है। लेकिन सवाल जिस तरह से खालिक ने भी यहां छोड़ा है कि दोबारा से अगर फॉर्म फिल होते हैं तो फिर रेवेन्यू जनरेशन का घोटाला जो है वो देखने को फिर से मिल सकता है, क्योंकि एक बार आपने फिल किया है, दोबारा से अगर आपको फिल करना पड़े तो जाहिर तौर पर ज्यादा पैसे जो है वो खर्चने पड़ सकते हैं। लेकिन राजनेताओं के भी नाम सामने आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आ सकते हैं, और कुल मिलाकर जो इन्वेस्टिगेशन टीम, जिस तरह से पहले भी आरोप लगते रहे कि इन्वेस्टिगेशन टीम में भी वही लोग रहेंगे जिन लोगों ने घोटाला किया है, तो किस तरह से पारदर्शिता रहेगी। तो अब CBI के पास केस जाने के बाद क्या लगता है कि कुछ और बड़े चेहरे सामने आएंगे?
देखिए, सीबीआई की डिमांड करने का हमारा मेन रीज़न ही यही था कि हमें हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई थी कि कुछ लोकल नेता, कुछ लोग ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त की थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो या कोई भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं है वो आए और वो इंक्वायरी करे, ताकि सच जो है वो बाहर निकाल के आए। वो राजनेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो कोई जो ब्यूरोक्रेट है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, वो पकड़ा जाओ, एक एग्जाम्पल सेट हो कि आने वाले 10, 20, 50 इनफाइनाइट जनरेशन तक किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी एस्पिरेंट के साथ गलत ना हो, ताकि वो सफर ना करे। और आज हमारी तरह जैसे हम धूप में जो है झुलसे हैं, हमने स्ट्रगल किया है, वो इस तरह का स्ट्रगल ना करना पड़े, उसके बजाय वो देश की तरक्की के लिए स्ट्रगल करे। जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, अगर दोबारा से एग्जाम होता है तो किस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? मैम, अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, इन लोगों को जेल में डाल दिया जाना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है ये 2-3 महीने से ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, ताकि जो बच्चे इस बार इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की है जिन्होंने, उनको दोबारा आगे डिले करके उनकी पढ़ाई को वेस्ट ना किया जाए। क्योंकि अगर देखते हैं आप, साल में 3-4 रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं, लेकिन उन 3-4 में रिक्रूट होते होते बच्चों को 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर एक एग्ज़ाम बच्चे का क्वालिफाई नहीं होता तो बच्चा उसको अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। तो अगर ये प्रोसेस चलता रहा कि एग्ज़ाम डिले होते रहे और जो धांधलियाँ होती रही, तो बच्चा एक एग्ज़ाम पर टिक ही नहीं पाएगा। और बच्चों का तो विश्वास पहले भी उठ चुका है JKSSB पे, जितने ही रिक्रूटमेंट्स अभी तक हुई हैं हर किसी में कोई ना कोई घोटाला हुआ है। तो इस प्रोब के बाद जो बंदे पकड़े जाएंगे उनको एक तो एग्ज़ाम नहीं दिया, दोबारा उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाए, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि वो दोबारा ऐसी जुर्रत ही ना कर पाएं। और जो भी ये प्रोसेस हो ये फास्ट ट्रैक हो, ताकि जल्दी से जल्दी। आरोप ये भी लग रहे थे कि राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स, और जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि फास्ट ट्रैक पर ये पूरा काम होना चाहिए, बीच में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए, अगर ढिलाई बरती जाती है तो जाहिर तौर पर फिर और कदम जो है वो उठाने की जरूरत। ट्रांसपेरेंसी को लेके एक बात बोलूँगा, ट्रांसपेरेंसी को लेके JKSSB को खुद सामने आना चाहिए और एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि जो कंपनी जिसने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट फोर्थ क्लास, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JKPSI ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए हैं JKSSB ने, उस कंपनी को अगर वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी तो क्यों उसको टेंडर दिया गया? इसके साथ साथ अभी भी क्या वही कंपनी है जो अभी भी इस टेंडर जो आगे फर्दर रिक्रूटमेंट, क्योंकि कैलेंडर अभी बाकी है, कैलेंडर में काफ़ी एग्जाम पेंडिंग है, क्या अभी भी वही कंडक्ट कर रही है? और अगर अभी भी कंडक्ट कर रही है तो JKSSB को चाहिए कि उसका जो टेंडर है वो इमीडिएट एक्शन लेके उसको कैंसिल किया जाए, और जो जांच एजेंसी जैसे CBI है उसको ये सौंपा जाए, क्योंकि जो भी उनके पास इसके डिटेल है उसको सौंपा जाए, क्योंकि ये कंपनियाँ पहले भी कहीं ना कहीं पेपर लीक के ये इन्वॉल्व ही नहीं, इनके द्वारा अगर किया गया है जहाँ फिर इनके अंडर कोई एग्जाम हो रहा है और वो लीक होता है, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व यही होती हैं। इनकी जिम्मेवारी है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सीक्रेसी मेंटेन करते हुए पेपर कंडक्ट कराए, फेल हुई हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले भी तो विंकल ये बताया गया था कि CCTV कैमरा की निगरानी में ये सारे एग्जाम जो है वो हुए हैं और पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी धांधली। जिन माननीय चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी से CCTV कैमरा की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है, जहाँ तो उनको ब्लैक लिस्टिंग की खबर पता नहीं थी, तो ऑफिस में मुझे लगता है सरकार को JKSSB के जो चेयरमैन थे उस समय उनके ऑफिस में एक अच्छे न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या जो हिंदुस्तान टाइम है वो लगवा दे, वो खबरें आई थी, हो सकता है छूट गई हो। कई बार उनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है JKSSB में, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करने के अलावा JKSSB के और जल्दी उनका तबादला भी हो गया था। आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर यहाँ प्रमोट तो उन्हें कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से धांधली देखने को मिली थी वो बहुत बड़ा सवाल बन गया था, आप कुछ कहेंगे? मैं बस इस पे सबसे पहले तो मैं LG साहब का शुक्रिया करूंगा कि 2-4 साल से हमें लग रहा था कि कुछ होगा नहीं, आज उन्होंने ये CBI का जो प्रोब के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब बच्चों की तरफ से करना चाहूँगा उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और इन बच्चों ने जो बेहतरीन काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है, ख़ासतौर पर मेरे इस भाई ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो ये बच्चे कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से दिन रात ये बच्चे सोए नहीं हैं,
ये सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इन्होंने सबूत इकट्ठा करके क्राइम ब्रांच में दिए, इन्होंने सबूत इकट्ठा करके एसीबी में दिए। ये बिल्कुल वही सबूत आप दिखाना चाहेंगे नेशनल चैनल पर, कुछ बोलना चाहेंगे अपने, आपके पास कौन कौन से प्रूफ रहे थे, कौन कौन से प्रूफ सामने रखे गए? आई गेस जो डेटा जैसे कि गुलिस्तान चैनल पे जब सबसे पहले दिन ये स्टोरी हुई थी गुलिस्तान चैनल पे, अच्छे से उस डेटा को रखा था कि कैसे सिबलिंग वाला, तो एक शक की जो सुई थी ना वो 10-20 बच्चे नहीं थे। गुलिस्तान न्यूज़ पे जब सर ने वो करा अथेंटिक डाटा, यही डाटा उनके पास था, उन्होंने ऐसे हवा में बात नहीं करी थी। लोग कहते हैं जो झूठा, क्योंकि उनकी स्टडी तो थी नहीं, तो चैनल कोई ऐसे नहीं चलाता है। उनकी न्यूज़ पे मोहर लगी जब आज एलजी साहब ने ये कहा कि हाँ इसमें धांधली पाई गई, तेरी बोर्ड में भी आया था, लेकिन आज एलजी साहब का खुद का ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आया है। तो इसके साथ साथ जो डाटा उस समय उन्होंने कहा था कि सिबलिंग वाला, वो बड़ा शक के घेरे में लाने वाला था, एक दो नहीं 100 बच्चा सिबलिंग था, वो भी 7200 में, 97000 में नहीं 3600 में था, उसके आगे तो हमने करा नहीं। उसके साथ साथ मार्क्स अगर देखे जाएंगे, लिस्ट पब्लिक है गुलिस्तान चैनल पे भी, अगर उसके पुराने वीडियो देखे उस पर भी वो आई है लिस्ट, जिसमें दो दो नंबर का भी डिफरेंस नहीं था, सेम नंबर पॉइंट्स में डिफरेंस था। शक की सुई और बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते जब गुलिस्तान की ही पड़ताल में ये चीज़ पाई गई थी कि भाई वो बिल्कुल पास पास है, घर के आस पास है, दोस्त हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, तो उस डाटा को पब्लिक करना, या क्योंकि सब लोग जानते हैं समाज में, वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। इमीडिएटली जब ये ब्रेक हुआ स्कैम, जब हमने बस्ट करा, तो समाज में बाहर जाने, मास्क लगा लगा के लोग बाहर जाते थे, मुंह को लपेट के बाहर जाते थे, शर्म तो उनको थी। लेकिन अब मेरे से गलती उनसे होगी, मेरे उनसे अनुरोध है कि सरकार के साथ, सरकारी एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करिए, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी, आपसे गलती हो गई, अब कोऑपरेट करिए। और जो कि जिन लोगों ने आपको बहकाया, चाहे वो सरकारी तंत्र के लोग हैं, एक स्टूडेंट ऐसा तभी करता है जब वो मजबूर होता है, तो आप सरकार के साथ कोऑपरेट करिए, जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करिए, और उनको पकड़वाने में हेल्प करिए। मुझे उम्मीद है सरकार आपको थोड़ी सी रियायत देगी, नहीं तो लंबे समय के लिए जेल जाना तो तय है। समाज में बदनामी अलग से है, और जिस परिवार के चार चार सदस्य, दो दो मतलब, यानी कि जिसके पिता भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, तो सबका सब परिवार जब अंदर जाएगा, समाज में बहुत बेइज्जती होगी, समाज में बहिष्कृत तो पहले से हो। आई गेस आपको एक समझदारी का काम आप करना चाहिए, सरकार जो है, सरकार की तरफ जो एजेंसियां हैं, खुद जाके कन्फेस करिए, मीडिया में ना आए आपके नाम, ऐसे सरकार से अश्योरेंस मिलेगी आपको डेफिनेटली। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो कि गलती को मान के खुद सामने आए, और उन स्कैमर्स को पकड़वाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि सीबीआई इस पर दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह से करती है, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि सिबलिंग्स जो हैं वो ज्यादा तादाद में देखे गए थे, एक ही क्षेत्र के लोग यहाँ पर देखे गए थे। अब सवाल बार बार ये उठ रहा है कि सीबीआई की जो मांग रखी गई थी उसे माना तो गया है, लेकिन सीबीआई की जांच किस तरह से होगी, ये सवाल रहेगा। अगर जाते जाते एक कमेंट आप सभी लोगों से लेना चाहें, तो सीबीआई की जांच किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई पर आप सवाल निशान तो नहीं लगा सकते हैं, वो बेटर तरीके से काम करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक कमेंट। बिल्कुल मैम, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसको भी कोई जिम्मेवारी सौंपी गई, चाहे वो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की सौंपी गई, हमें उनके ऊपर भी विश्वास था, विश्वास अब सीबीआई के ऊपर भी है, लेकिन हम चाहेंगे उपराज्यपाल जी जो है वो इसको ऊपर से बैठे हुए मॉनिटर करते रहे, और लगातार जिस तरह से कहा कि रिक्रूटमेंट भी फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, हिमाचल में पेपर कैंसिल हुआ वो जल्दी से हो गया, हम चाहते हैं जल्दी से गिरफ्तारियां हो, जो लोग हैं उनको सामने लाया जाए, और रिक्रूटमेंट को हाल्ट ना किया जाए। ऑलरेडी हम लोग बहुत सफर कर चुके हैं, जल्द से जल्द इसका एग्जाम होना चाहिए। एलजी साहब ने मिसाइल लॉन्च कर दी है सीबीआई की, वो मिसाइल जो है वो मिसाल कायम करे और एक लैंडमार्क जजमेंट हो, एक लैंडमार्क डिसीजन हो और लैंडमार्क पनिशमेंट हो, ताकि आगे चल के ऐसे कोई भी इंसिडेंट जो है वो ना हो। जो है जिस पर निशाना दागा गया है उस पर चलनी चाहिए। आप देखिए मैम, मेरा ये कहना है कि जितने भी स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, अगर सिर्फ उनको ही पनिशमेंट दी जाएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप जुडिशरी पे भी करने का हक रख सकते हैं, तो ऐसा ना किया जाए कि मैं डे वन से यही चीज़ कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी, चलिए उन पर गाज गिराना बहुत ज़रूरी। मेन मेरा यही पॉइंट है कि हमारा सीबीआई में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, जिसकी वजह से हम ट्रस्ट करते हैं कि जैसे उन्होंने आज से पहले काम किया है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रीवियस स्टेट्स देखोगे, चाहे वो हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, तो हमारा यही है कि वैसे ही सेम यहाँ पे वो फास्ट ट्रैक में काम करें और किसी को भी बख्शा नहीं जाए, और हमारी आगे की रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक में हो। जो भी ऑर्डर्स आए हैं अभी तक उनसे यही दर्शाता है कि एलजी साहब को पता चल चुका है स्कैम बहुत बड़े लेवल पे हुआ, और स्कैम हुआ है, कन्फर्म है, तो इसके मतलब जो भी लेना है इनको डिसीजन वो जल्दी से जल्दी लिया जाए, फास्ट ट्रैक पे। इस जांच सीबीआई जांच को बिरवल की खिचड़ी बना के ना छोड़ दे सरकार, जल्दी से जल्दी जो है जांच के ऊपर अभी भी ऐसा ना हो प्रभावित करने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि राजनीतिक लोग, ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग शामिल हैं, बड़ा बड़ा नेक्सिस इवन की प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी शामिल हैं, तो उससे प्रभावित ना कर पाए, सरकार को ऐसा इंश्योर करना चाहिए।
हम यही कहेंगे कि आप इसकी शुरुआत करिए, अच्छे से करिए, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर करिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब सीबीआई अच्छे तरीके से इंक्वायरी करेगी तो देखिए क्या क्या आपके सामने गपले आएंगे। ये फा वाले भी, फाइनेंस अकाउंट्स वाले, पंचायत वाले, फायर इमरजेंसीज वाले, कुछ लोगों ने तो खुद पहले ही बता दिया था फायर इमरजेंसीज का। अब हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से जाँच होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई को सामने रखा गया है तो एक सवाल या निशान तो जरूर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी से काम होता है तो जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में इस तरह से और ज्यादा घोटाले देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा कि घोटाले पर घोटाले जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर आज कहीं ना कहीं मुहर लग गई है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।